नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। रामगढ़ जिला भुरकुंडा एस्पायर कोचिंग सेंटर रिवर साइड वर्कर्स क्लब में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में तीनों संस्थान से सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुरुआत संस्थान के निदेशक रमेश कुमार, नितेश कुमार, प्रमोद कुमार, अप्पू मंसूरी, अभिषेक कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में एस्पायर कोचिंग के पूर्व में छात्र रहे विभिन्न प्राइवेट व सरकारी विभागों में जो नौकरी कर रहे वो सभी छात्र सम्मिलित हुए, जिन्होंने क्विज प्रतियोगिता दो चरण के पश्चात अपना अनुभव साझा किया और साथ ही प्रतियोगिता से मिलने वाले फायदे को बताया। वहीं सफल छात्रों में अभिषेक एसबीआई मैनेजर, संजीव अल्प, राहुल टीटी रेलवे, मनोज रेलवे, अभिषेक एवं चंदन झारखंड पुलिस, स्वीटी एवं पूर्णिमा जकसी, दानिश व पूर्णिमा केवीएस इत्यादि। प्रतियोगिता का आयोजन 5 चरणों में किया गया, जिसमें 2 चरण लिखित 3 मौखिक चरण थे। प्रथम 2 अंक चरण को मिलाकर टॉप 20 छात्रों का चयन किया गया, जिनमें से इस वर्ष के क्विज प्रतियोगिता का प्रथम विजेता काजल कुमारी बने, द्वितीय स्थान सोमा कुमारी, तृतीय स्थान दीपक कुमार विजेता बने। तीनों विजेताओं को ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट पुरस्कृत कर अतिरिक्त 10,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं संस्थान के निदेशक रमेश कुमार एवं कुणाल चौहान ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य का कामना किया और साथ ही यह कहा, एस्पायर कोचिंग सेंटर रामगढ़ जिला भुरकुंडा कोयलांचल का सक्सेस कोचिंग सेंटर है। हमारे संस्थान में जो भी छात्र शिक्षा प्राप्त किए उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया। बाइट राहुल राज, बाइट पूर्णिमा कुमारी सब इंस्पेक्टर हजारीबाग, अभिषेक कुमार स्टेट बैंक भुरकुड़ा, बाइट शिक्षक। रिपोर्ट राहुल सिंह। आगामी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो, इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा ऐसे गांव बहुत है जहां पर शिक्षा केंद्र नहीं है, बहुत वंचित है, शिक्षित है, वहां पर शिक्षा कैसे पहुँचवाएंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात है कि जो गांव बहुत वंचित है, जैसे हमारा रिवर साइड भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ से एस्पायर की शुरुआत हुआ, हमारे एक ब्रांच भुरकुंडा में है। और सबसे ज़्यादा पिछड़ा बोले तो गिद्दी थी, जहाँ से लोग आ नहीं पाते थे, हमारा एक एस्पायर का ब्रांच वहाँ भी खोल दिया गया है, तो हर क्षेत्र के स्टूडेंट वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ, सब इंस्पेक्टर हजारीबाग। सर, सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जैसे आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं और पेट्रोल में सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों ना शिक्षा को आप सब्सिडी दें और शिक्षा को और मुफ्त बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अंडर प्रिविलेज बच्चे इस शिक्षा के जो एक छतरी है उसके अंदर आ सके, और जिससे कि हमारा इकोनॉमी अपने आप बूस्ट करेगा। अगर शिक्षित लोग होंगे वो ज्यादा कार्य करेंगे और पर्सनल बिजनेस भी चलाएंगे, नौकरियों में भी जाएंगे, तो ये अपने आप में इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो मेरा सरकार से यही मांग है कि भाई शिक्षा को और सब्सिडाइज किया जाए, ताकि मुफ्त शिक्षा दी जा सके। अपना नाम कहिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक के पोस्ट पर कार्यरत हूँ, छपरा में। क्या है संस्थान का मुख्य उद्देश्य? है बच्चों, संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां दिलाने, और उसके लिए हम लोग, हमारा जो हम लोग का जो टीचर है, टीम वर्क है, वो लोग प्रॉपर बहुत मेहनत करते हैं बच्चों को, और बच्चे ही मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम रियल रूप में देखा जाता है। कोविड-19 के दौरान बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा है और बहुत ऐसे बच्चे का भविष्य बर्बाद हुई है, उसके लिए कैसा संघर्ष करना चाहेंगे बच्चे? हम लोग बोलते हैं कि जब ऐसे भी कोविड का टाइम था तो हम लोग फ्री ऑनलाइन क्लास चलाए थे, हम लोग जो हमारे टीचर थे, मैनेजर, प्रोफेसर, अफसर जो भी फैकल्टी थे, वो गरीब बच्चे या अमीर बच्चों जो संस्थान तक कोरोना के चलते नहीं आ पा रहे थे, हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई और बच्चे उनसे काफी लाभान्वित हुए, पढ़े, सब इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे थे, सीखेंगे। तो हम लोग उस जो कोरोना काल में है उसको पॉजिटिव रूप में लेके हम लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, और जो कोरोना से प्रभावित है आज भी बोलेंगे कि जो वो प्रभावित हो चुके हैं वहाँ है, हम लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इसमें बच्चे को जगाने के लिए सबसे बड़ा प्रयास है कि वो अपने गोल को लेके काफी पैशनेट रहे और शिक्षकों का हमेशा सम्मान करें। बहुत ऐसे गांव है जहां पर शिक्षा से वंचित वाकई में लोग रहते हैं, वहां शिक्षा का सही संस्कार नहीं पहुंच पा रहा है, सही तरीका से टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे इस गांव को? गांव को जहां तक जोड़ने का बात है तो हमारा संस्थान एस्पायर है, इसने इनिशिएटिव लिया है, हमारे 3 ब्रांच है, रिवर साइड, भुरकुंडा और गिद्दी से,
और गिद्दी सी काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह था, लेकिन वहाँ पे कोचिंग और कोचिंग के टीचर्स की मदद से काफ़ी लोगों को शिक्षा पहुँचाया गया है और उन लोगों की भी नौकरियाँ हुई हैं। झारखंड सरकार के लिए क्या क्या सरकार जो है झारखंड सरकार को क्या करना चाहिए शिक्षा पर जो कमियाँ लग रही है आपको? झारखंड सरकार को के द्वारा यही होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस जगाए कि वो कैसे नौकरियां पा सकते हैं और वैकेंसी भी आने चाहिए टाइम पे। आपका नाम चाहिए? राहुल राज।